हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबको मोदी केयर का वेल प्रोडक्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके बारे में आज बताऊंगा। क्रील ऑयल से यह बना होता है और यह क्रील जो होती है एक प्रकार की झींगा प्रजाति होती है। यह अंटार्कटिक प्रशांत महासागर, जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ का नम मौसम होता है, वहाँ का शीतल मौसम होता है, वहाँ के झींगा की जो प्रजाति होती है उससे यह जो ऑयल निकाला जाता है और निकाल करके यह कैप्सूल या टैबलेट बनाया जाता है, जो क्रील ऑयल के नाम से जाना जाता है। हमारी मोदी केयर कंपनी अंटार्कटिक ओमेगा 43 एसिड के नाम से क्रील ऑयल यह बनाई है। यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, छोटे झींगे से यह बना हुआ होता है। और मैं आप लोग बता दूं कि इसका जितना भी मैं बखान करूं, यह बहुत ही कम है, बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। और यह एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा एक तरह से माना जाता है स्रोत, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको पूरा डिटेल से जानने से पहले, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरा इस प्रकार का कोई वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि यह हमारे शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है, जॉइंट पेन के लिए फ़ायदेमंद होता है, महिलाओं के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। पीरियड होता है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा लीवर में भी बहुत ही, अगर ज़्यादा फैट है तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। और चलिए इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बता दूँ कि जो साधारण जो सिंपल जो और मछलियाँ होती हैं, उसके अलावा जो क्रील जो झींगा की प्रजाति है उससे जो तेल निकाला जाता है और जो मछली का तेल होता है, इसमें बहुत ही अंतर होता है। जो क्रील का ऑयल होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है एंटीऑक्सीडेंट। और जो क्रील ऑयल होता है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है एस्ट्राजेंथिन नाम का होता है, ये सिर्फ क्रील ऑयल में पाया जाता है। और जो है यह HDL जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसको बढ़ाता है, जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। यह मछली में से जो ऑयल निकलता है उसमें जो है एस्ट्राजेंथिन नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसमें नहीं होता है। और ये उतना जो मछली का ऑयल होता है उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना कि क्रील ऑयल फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हमारे लिए यह क्रील ऑयल बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जो है घटाता है, और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है वो भी हार्ट अटैक का कारण बनता है, कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट अटैक का कारण बनता है, वो भी जो है सही रहता है, दोनों को जो है बैलेंस करके रखता है, बढ़ने नहीं देता है ट्राइग्लिसराइड को ना ही जो है कोलेस्ट्रॉल को, जिससे हमारा हार्ट सही रहता है, हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं वो सही रहती हैं, हार्ट के आसपास फैट को जमने नहीं देता है, जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट दबता नहीं है ना ही कहीं आर्टरी में जो है ब्लॉकेज होता है। क्योंकि इसमें जो है जो प्लेटलेट्स होता है उसमें जो चिपचिपाहट होती है प्लेटलेट्स में ज़्यादा, किसी किसी के प्लेटलेट्स ज़्यादा होने के वजह से जो है आर्टरी या धमनी में जो है थक्का बनने लगता है, जिससे हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो चिपचिपाहट को या प्लेटलेट्स में जो चिपचिपाहट होता है उसको ख़त्म भी करता है, जिससे हमारे सिराओं या धमनियों में जो है ब्लड अच्छे से बहता है और थक्का नहीं बनने पाता है। तो हार्ट के लिए हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये क्रील ऑयल। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारे हार्ट को जो है, हमारे दिल को जो है स्वस्थ रखता है, कहीं भी जो है सूजन नहीं होने देता है, और जो है कहीं हमारे शरीर में जलन भी नहीं होने देता है, और हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है, हमेशा अनियंत्रित नहीं होने देता है, हमेशा नियंत्रित रखता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि हमारे बॉडी में जो है 3 ग्राम प्रतिदिन जो है ये फिश का जो ऑयल होता है हमेशा चाहिए, और अगर इससे कम होता है तो हमारे शरीर में जो फैट बैड फैट होता है, जैसे ओमेगा 9 होता है, वो बैड फैट होता है, वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में या हमारे लीवर में या तो हमारे हार्ट में जो है ज़्यादा सूजन होने लगती है। तो ओमेगा 3 जो होता है फैटी एसिड, ये गुड जो है फैट माना जाता है, यह जो है बर्न करता है, उसको ख़त्म करता है और सूजन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है, हमारा लीवर स्वस्थ रहता है, यहाँ तक कि हमारे लीवर में भी फैट को कम करता है, लीवर में सूजन हो जाती है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है फ़ायदेमंद होता है।
और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो महिलाएं होती हैं मासिक धर्म अनियंत्रित होता है, या तो उसमें मासिक धर्म में जो है प्रॉब्लम आती है, पेट में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, बहुत सी महिलाओं का जो पैरों में दर्द होने लगता है, तो ऐसे में जो है क्रील ऑयल का जो ओमेगा फैटी थ्री एसिड क्रील ऑयल अंटार्कटिक है जो कि मोदी केयर का, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है महिलाओं के लिए, पीरियड में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जिसको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन हो जाती है, गठिया की शिकायत है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की शिकायत है, उसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है क्रील ऑयल। तो इसका प्रयोग करें तो आपका जो जोड़ों का दर्द है वह घट जाता है, और अगर इसमें जो है जोड़ों में जो है बहुत ज़्यादा सूखापन हो जाता है तो उसमें जो है यह नमी लाता है और जो है सूजन को घटा करके लचीलापन बनाता है, और आसानी से जो ज्वाइंट होता है मूवमेंट करने लगता है अगर आप क्रील ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, अगर अंटार्कटिक क्रील ऑयल का आप प्रयोग कर रहे हैं तो माइंड को जो है बहुत तेज़ रखता है, शार्प माइंड बनाता है, बहुत तेज दिमाग को करता है, याददाश्त बढ़ाता है, और जो भूलने की बीमारी होती है उसको यह ख़त्म करता है, तो दिमाग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी काम करते हैं तो दिमाग में थकान होने लगती है, उबासी आने लगती है, तो अंटार्कटिक ओमेगा थ्री फैटी एसिड मोदी केयर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा आपको तनाव से मुक्त करता है, अगर आपके शरीर में तनाव है तो तनाव से मुक्त करता है, और तनाव नहीं रहता है शरीर में तो आपका हृदय भी सही रहता है, स्वस्थ रहता है अगर आप क्रील ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं तो। इसलिए आप मोदी केयर का क्रील ऑयल प्रयोग करें, आपका तनाव दूर रहेगा, जिसकी वजह से जो है हार्ट में जो लोग तनाव ग्रसित रहते हैं उनका हार्ट जल्दी से जो है ख़राब होता है, या मतलब समस्याएं आने लगती हैं, या तो हार्ट अटैक की समस्या आने लगती है, तो ऐसे लोग जो है क्रील ऑयल का प्रयोग करें मोदी केयर का ओमेगा थ्री फैटी एसिड, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग क्रील ऑयल का प्रयोग करते हैं वे हमेशा जमा दिखते हैं, त्वचा पे निखार रहता है, चमक रहती है अगर आप क्रील ऑयल का प्रयोग करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्रील ऑयल का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है, और नींद अगर अच्छी आती है तो चेहरे पर अच्छा निखार आता है, और आँख की जो रोशनी होती है वो जल्दी घटती नहीं है अगर क्रील ऑयल का आप प्रयोग कर रहे हैं तो। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं क्रील ऑयल हमारे बॉडी में बहुत आसानी से घुल जाता है, हमारे स्किन में अच्छे तरीके से घुल जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे ब्लड में भी कोई अगर समस्या होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, और ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से जो अंटार्कटिक क्रील ऑयल होता है मोदी केयर का। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो क्रील ऑयल होता है ये रेडनेस टाइप होता है, हल्का लाल टाइप होता है, और जो फिश का जो मछली का जो तेल होता है ऑयल होता है वह एलोइस होता है, हल्का पीलापन में होता है, ये इसमें दोनों में अंतर यही है। तो मैंने अपने इस वीडियो में आप लोग बताया कि हमारे शरीर के लिए ओमेगा थ्री फैटी एसिड अंटार्कटिक जो मोदी केयर का ये कैप्सूल है आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, या ओमेगा थ्री फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये जो क्रील ऑयल होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर में हर तरह से, और हमारे हार्ट के लिए, लीवर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ब्लड के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे शरीर में कोई घातक बीमारी भी नहीं होने पाती है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को मोदी केयर ओमेगा थ्री फैटी एसिड अंटार्कटिक इसके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में बता दिया हूँ, आप इसका प्रयोग करें, अगर इसको कोई भी खा सकता है, चाहे शुगर का पेशेंट हो, चाहे बीपी के पेशेंट हो, या बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, लीवर की समस्या हो किसी को, वो लोग भी खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा।